नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, NHMM हॉस्पिटल रायपुर। मैं आपके समक्ष आता रहा हूं और हमारी और हमारे अस्पताल की एक प्रयास है जो हम कर रहे हैं ताकि हम आप तक पहुंच सकें, आपके घरों तक पहुंच सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप सभी स्वस्थ हैं, आपके सभी जानने वाले स्वस्थ हैं। और ये मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगा कि जो भी अभी कोरोना की तकलीफ को हम सभी जिससे गुजर रहे हैं, आप प्लीज़ आपके प्रयास, हम सबके प्रयासों से ही हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगा के रखिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए और आपको अगर ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ घर से बाहर नहीं निकले। हमने पिछली कुछ कड़ियों में बात करी किडनी में होने वाली पथरी की, प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं की, किडनी ट्रांसप्लांट की बात करी, और ये सब के साथ में मैंने पहले भी जिक्र किया है, हम आज बात करेंगे जो तकनीकी एडवांसमेंट्स हुए हैं यूरोलॉजी में लेके और शल्य क्रिया को लेके। उसके अंदर सबसे ऊपर नाम आता है लेजर्स का। लेजर्स को लेके अगर एज अ कॉमन मैन मैं आपको समझाऊं तो एक तरीके से एक ऊर्जा का स्रोत है, एक तरीके की एक किरण है जो बहुत पावरफुल है। जिस तरीके से आप अगर देखें शीशे को हम एक डायमंड से काटते हैं, उसी तरीके से अगर एक क्रिस्टल में से एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलती है जिससे हम टिश्यूज़ को काट सकते हैं और शल्य क्रिया कर सकते हैं बहुत ही प्रिसीजन के साथ में, वो लेज़र की उपयोगिता है जो धीरे 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 जैसे जैसे समय जा रहा है और उसने ये सिद्ध भी कर दिया है कि वह प्रक्रिया बाकी प्रक्रियाओं से डेफिनेटली बहुत बेटर है, उसका प्रिसीजन बेटर है, मरीजों के लिए फ़ायदा है, ज़्यादा समय अस्पताल में नहीं रहना पड़ता है, चीरा छोटा लगता है और आउटकम भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो यूज़ है लेज़र्स का वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं इसको ऑपरेशन में, देखिए दो मेजर यूज़ हैं उसका। मैं अपनी जो यूरोलॉजी ब्रांच है उसकी बात कर रहा हूँ, बट लेज़र्स का जो एप्लीकेशन है वो अनलिमिटेड है। न्यूरोसर्जरी के अंदर आजकल जिसको गामा नाइफ बोलते हैं, उसके द्वारा वो ब्रेन के ट्यूमर्स को भी एक्साइज कर सकते हैं बिना बड़ा चीरा लगाए, या और बाकी ब्रांचेस में ENT में, हेड एंड नेक सर्जरी में बहुत ज़्यादा लेज़र का यूज़ होता है। मैं आज आपसे बात करूँगा यूरोलॉजी में लेज़र्स का क्या क्या यूज़ है। दो जो मुख्य यूज़ हैं उसके, एक तो है कि पथरी आपकी किडनी में या किडनी से निकलने वाली पाइप यानी यूरेटर में अगर पथरी है तो उसको हम लेज़र के द्वारा तोड़ सकते हैं। और दूसरा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका यूज़ है वो है प्रोस्टेट की सर्जरी में। देखिए किडनी स्टोन्स का जो मैनेजमेंट है वो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है, यानी वह आपके मूत्र मार्ग में कहाँ पर है, और दूसरा कि उनका साइज क्या है। उसके हिसाब से जहाँ पे पुराने जमाने में पहले तो बड़ा चीरा लगा के ऑपरेशन किए जाते थे और उसके बाद जो एंडो यूरोलॉजी आई उसके अंदर भी छेद करके किडनी में जाना पड़ता था अगर किडनी में बड़ा पत्थर है तो, परंतु लेज़र जब से आया है और हमारे पास है, हम पतली दूरबीन से बिना चीरा लगाए ही उस पथरी तक पहुंच के उसको लेज़र के द्वारा हम उसका चूरा कर सकते हैं और वो धीरे धीरे निकल जाता है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको अस्पताल में एक दिन से ज़्यादा नहीं रुकना पड़ता और कठोर से कठोर स्टोन को भी हम तोड़ सकते हैं, तो जो यूजुअली बाकी पद्धतियों से जिसको तोड़ने में बहुत मुश्किल होती है वो लेज़र द्वारा आसानी से तोड़ा जा सकता है। और इसके साथ एक फ़ायदा यह भी रहता है कि इसके कारण आपका एम्बुलेशन मतलब सर्जरी के तुरंत बाद आपको बहुत आराम करने की, अब बिस्तर पर लेटे रहने की ज़रूरत नहीं है, आप अगले ही दिन से अपनी जो भी दैनिक कार्यकलाप हैं उसके अंदर जा सकते हैं, वो काम वापस चालू कर सकते हैं। पथरी के बारे में बात कर ली, इसके अंदर कुछ प्रक्रियाएं हैं यानी कुछ नेम सर्जरी जिनका मैं नाम आपको बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है RIRS यानी रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। इसका मतलब अगर मैं शब्द एक एक शब्द को लेके आपको समझाऊं, रिट्रोग्रेड मतलब पेशाब के रास्ते से जाके इंट्रारीनल किडनी के अंदर, सर्जरी मतलब शल्य क्रिया, मतलब किडनी के अंदर आपके पत्थर है तो उसको हमको चीरा लगा के डायरेक्ट किडनी में छेद करके पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको मूत्र मार्ग के द्वारा ही किडनी में पहुंच के उस पथरी को तोड़ के निकाल सकते हैं। इसके अलावा मिनी PCNL है यानी परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, कई पत्थर ऐसे होते हैं जिसको नीचे से हम नहीं पहुंच पाते, उसके लिए किडनी में एक छोटी सुई जितने बराबर एक एंडोस्कोप से जाके लेज़र से उस पथरी को तोड़ सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, देखिए प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है जो आपके मूत्र मार्ग के बीच में स्थित होती है और उम्र के साथ ये बढ़ने लगती है और बढ़ती प्रोस्टेट के कारण पेशाब में कई तरीके की तकलीफें आ सकती हैं। बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब करने के लिए जोर लगाना, पेशाब करने के बाद भी संतुष्टि ना आना, ऐसा लगते रहना कि अभी भी थोड़ा सा बाकी रह गया है, जब ये सब अगर आपको सिम्टम्स हैं और आप जाँच करवाते हैं तो पता चलता है आपका प्रोस्टेट बढ़ गया है।
यूजुअली तो हम मेडिसिन देते हैं, परंतु फिर भी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन से पूरी तरीके से आराम नहीं मिलता और उनको सर्जरी की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए प्रोस्टेट की सर्जरी लेजर द्वारा एक वरदान की तरह है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम जो आती है वो अधिक आयु के पुरुषों में आती है, उनको साथ में और भी कई बीमारियां होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट की कुछ समस्याएं, कई पेशेंट्स को खून पतला करने की दवाइयां चल रही होती हैं और वो सर्जरी के लिए बहुत हाई रिस्क रहते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो नॉर्मल तरीके से प्रोस्टेट का ऑपरेशन था उसमें उनको खतरा बहुत बढ़ जाता है, पर यही शल्यक्रिया अगर हम लेजर द्वारा करते हैं जिसको हम होलेप बोलते हैं, होल्मियम लेजर इन्यूक्लेशन ऑफ प्रोस्टेट, उसमें हम वो अगर हार्ट की जो दवाएं हैं उनको ना भी बंद करें तो भी हम पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए, उनको सेफ रखते हुए, एनेस्थीसिया का रिस्क कम करते हुए हम वो ऑपरेशन कर सकते हैं और इसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। लेजर्स कई प्रकार की हम यूज़ करते हैं, होल्मियम, थुलियम, केटीपी लेज़र, ये सब की जो फिजिक्स है उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, परंतु मैक्सिमम जो लेज़र का यूज़ होता है वो है होल्मियम लेज़र। और भी इसके कई यूजेस हैं, पेशाब की नली में रुकावट है तो उसको खोलने के लिए, लोग इसको ट्यूमर को एक्साइज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे नए नए यूज़ जो हैं लेज़र्स के वो और आते जा रहे हैं, पर जो एस्टैब्लिश यूजेस हैं उसके पथरी में और प्रोस्टेट के अंदर, उनके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं और वो बहुत बेहतर हैं जो रूटीन शल्यक्रिया हम करते थे इन दोनों चीज़ों के लिए। तो अगर आपको पथरी की तकलीफ़ है या पेशाब करने से कोई तकलीफ़ है, आप अपने पास जो भी सर्जन है या यूरोलॉजिस्ट से उनका परामर्श लें, और अगर आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली अगर लेज़र वहाँ पे अवेलेबल है तो वो सबसे अच्छा विकल्प है। तो आप पूछिए, अपने डॉक्टर से सलाह करिए, और अगर विकल्प आपके पास है लेज़र का तो डेफिनेटली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप लेज़र द्वारा ही सर्जरी कराएं, आपको डेफिनेटली उससे फ़ायदा होगा। धन्यवाद। हम और भी कई टॉपिक्स पे चर्चा करते रहेंगे आगे, और मैं आपसे मिलने आता रहूँगा। धन्यवाद।